क्या दिया हुआ है, द पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ एन एपी आर स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी रिस्पेक्टिवली, शो करना है कि एक्सप्रेशन क्यू माइनस आर इंटू ए आर माइनस पी इंटू बी पी माइनस क्यू इंटू सी इज जीरो। तो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको जरा एक बार लिख लें, टीपी पीएथ टर्म, मान लो कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, तो टीपीएथ टर्म क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन और कॉमन डिफरेंस डी सपोज कर लो, और क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी वैल्यू स्मॉल ए के इक्वल है, और फिर टी क्यू क्या होगा, टी क्यू होगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और इसकी वैल्यू स्मॉल बी के इक्वल है, और टी आर किसके इक्वल होगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी और इसकी वैल्यू सी के इक्वल है। तो अब हमें यह एक्सप्रेशन निकालना है, तो यहां पर देखो ए की वैल्यू मालूम हो गई, बी की वैल्यू मालूम है और सी की वैल्यू मालूम हो गई, तो हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। इसको देखो यहां से रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, या इसको यहीं पर रखते हैं, देखिए q माइनस आर इंटू ए, ए क्या है, कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और फिर क्या आएगा, आर माइनस पी प्लस आर माइनस पी इंटू बी, और बी की वैल्यू को यहां पर मालूम है, आर माइनस पी और इंटू बी, और बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी, और सी है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये इक्वल्स टू जीरो दिखाना है। यहां पर हमने ए की, यहां पर बी की और यहां पर सी की वैल्यू पुट कर दी जो यहां पर लिखा हुआ था। अब देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन ए के साथ, तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा ए के साथ और यहां भी मल्टीप्लाई होगा एक्सप्रेशन ए के साथ, तो ए हम कॉमन ले रहे हैं, देखो ए हमने यहां पर कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, q माइनस आर, अभी इसी से मल्टीप्लाई किया है और फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें a कॉमन सब में दिख रहा है कि जब ये एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर p माइनस क्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a कॉमन आएगा, तो यहां पर r माइनस क्यू प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू हो गया। और फिर देखो ये एक्सप्रेशन किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस इसमें देखो d कॉमन आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां पर भी d, यहां पर भी d आएगा, तो हमने d को बाहर लिख दिया, तो क्या आएगा, q माइनस आर इंटू पी माइनस वन, ये ब्रैकेट चल रहा है, प्लस यहां पर लगा लो प्लस r माइनस p इंटू क्यू माइनस वन प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन, क्या किया इसमें, a कॉमन और इसमें d कॉमन ले लिया। अब देखो माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q प्लस p, तो ये तो सब जीरो हो गया। अब यहां पर केवल ये एक्सप्रेशन है, d उसमें बाहर कॉमन है, तो देखो क्या होगा, d इंटू क्यू पी माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर, देखो पहले ये मल्टीप्लाई हुआ, क्यू पी माइनस क्यू माइनस आर पी और माइनस आर, माइनस वन से करेंगे तो प्लस आर आ जाएगा, प्लस यहां पर होगा आर आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, पी आर लिखते हैं इसको, पी आर
माइनस पी प्लस क्यू आर और प्लस क्यू, ये आया हमारे पास। अब देखो क्या हो रहा है, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो गया और प्लस पी माइनस पी कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखो क्यू आर है और यहां पर पी क्यू माइनस का, यहां पर प्लस का, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आर पी माइनस का और आर पी प्लस का कैंसिल हो गया। यहां पर देखो माइनस मिस्टेक है, यहां पी आर आएगा, माइनस पी माइनस क्यू आर आएगा, यहां पर क्या आएगा माइनस क्यू आर और ये माइनस का क्यू, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर कैंसिल हो गया और फिर ये प्लस का आर माइनस का आर कैंसिल हो गया, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया ना, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी जीरो। तो हमने शो कर दिया कि ये एक्सप्रेशन जीरो के